वेरी वार्म वेलकम. दिस इज ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन असेसमेंट अंडर समर्थ ऑर्गेनाइज्ड बाय रिसोर्स सपोर्ट एजेंसी. विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम टाइटल स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर विच शैल बी नोन एज समर्थ. दिस समर्थ इज लॉन्च विद टू ट्रांसफॉर्म अनस्किल्ड मैन पावर टू स्किल वर्क फोर्स. जैसे बहुत सारे लोगों के पास स्किल तो है बट उन्हें सर्टिफाई करने के लिए कुछ सर्टिफिकेट नहीं है. ये जो शॉर्टफॉल है वो रिमूव करने के लिए मिनिस्ट्री ने ये स्कीम डेवलप किया है. ये स्कीम के अंडर हमें टोटल 10 लाख पीपल को स्किल, उनको स्किल का नॉलेज देना है पूरा, उनको एक फंक्शन सिखाना है, उनको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको ट्रेन करना है और 1 लाख पीपल को ट्रेडिशनल सेक्टर में ट्रेन करना है. सो फॉर दिस पर्पस द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज गिवन अ चार्ज टू टेक्सटाइल्स कमिटी टू रन दिस प्रोग्राम एंड दैट टेक्सटाइल्स कमिटी विल रन एज अ आरएससी टीम, दैट इज अ रिसोर्स सपोर्ट एजेंसी. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरएसए. टू मिटिगेट गैप टू रीच रीजनल कम्युनिटी, मेंटेनिंग क्वालिटी इन प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेशन फॉर वैरायटी ऑफ कोर्सेस, devising standardized curricula, training methodology and also we have to develop learner assessment standards. तो ये सारे objectives obtain करने के लिए, objectives तक पहुंचने के लिए RSA को कुछ functions, कुछ कार्य प्रणाली भी एक decide करनी है. So to identify and finalize skill development needs in a consultation with sector skill council and industry, to standardize course content and to develop the content, to specify training infrastructure, to standardize admission process, assessment, certification and accreditation process in consultation with sector skill councils and industry to ensure the consistency and acceptability by various stakeholders. For this purpose also RSA has to empanel assessment agency. They have to conduct the training of trainers, then training of assessor program. Also, they have to conduct the skill gap studies from time to time and build up the skill database for industry. Also, to study the global scenario and best practices in skill in textile sector. तो जो ये जो समर्थ स्कीम है ये दो, इसमें दो टाइप्स है. फर्स्ट इज एंट्री लेवल स्किलिंग एंड सेकेंड वन इज अपस्किलिंग रीस्किलिंग. एंट्री लेवल स्किलिंग के अंडर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम करने के लिए टोटल आरएसए ने 162 कोर्सेस ऑफर किए हैं. फॉर अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग टोटल 6 कोर्सेस आर ऑफर्ड बाय आरएसए. एंट्री लेवल का जो असेसमेंट है उसको पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट कहा जाता है. फॉर अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग वहां पर दो टाइप के असेसमेंट वी कैन कैरी आउट. फर्स्ट इज प्री ट्रेनिंग असेसमेंट एंड सेकेंड वन इज पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट. टोटल 162 जो कोर्सेस है वो 10 सेक्टर के अंडर डिवाइडेड है. सब सेक्टर्स लाइक गारमेंट प्रोसेसिंग, निटिंग, टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कारपेट, जूट, सिल्क, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, वुल, कॉटन. सो टोटल 162 कोर्सेस के अंडर आप एंट्री लेवल का टीओ इसमें ट्रेनिंग आप कर सकते हो. फॉर अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग आरएसए ने 6 कोर्सेस ऑफर किए हैं. This is the list of 6 courses. There is only one sector, that is garment subsector. ये सब होने के बाद हमें assessment भी conduct करना है. तो assessment क्यों किया जाता है? Assessment करने के पीछे क्या उनका हेतु है? So we can evaluate, measure and document readiness of learning progress, skilling acquisition of training, skill development, identify gaps in a training. असेसमेंट होने के बाद हम देख सकते हैं कि ट्रेनीज को कितना नॉलेज मिला है, उनके नॉलेज में कितना प्रोग्रेस हुआ है, उन्होंने कितना स्किल एक्वायर किया है, सॉफ्ट स्किल के बारे में वो क्या जानते हैं, अभी उनका बिहेवियर कैसे हुआ है. और इसके साथ वी कैन आइडेंटिफाई द गैप्स इन अ ट्रेनिंग. और भी कुछ गैप्स हो सकती है, आपके कुछ सजेशन हो सकते हैं. सो वी कैन फाइंड आउट बाय डूइंग दिस असेसमेंट. सो ये सारे असेसमेंट करने की जो प्रोसेस है, एम्पैनलमेंट होने की सारी जो प्रोसेस है, ये सारी एक गाइडलाइन में, एक प्रोटोकॉल में, एक
एक प्रोटोकॉल में डेवलप की गई है. सो सेपरेट प्रोटोकॉल फॉर एंट्री लेवल एंड अपस्किलिंग रीस्किलिंग इट इज डेवलप बाई आरएसए. इसमें सारी गाइडलाइंस मेथोडोलॉजी इसमें स्टिपुलेटेड है. तो सारी असेसमेंट एजेंसी को ये रिक्वेस्ट है दे शुड स्ट्रिक्टली अडेयर टू द प्रोटोकॉल एंड अदर इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय आरएसए फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये प्रोटोकॉल जो है वो सारी टेक्सटाइल्स कमिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है. आप ट्विटर अकाउंट भी चेक कर सकते हो टेक्सटाइल्स कमिटी का. ऑल्सो इट इज अवेलेबल ऑन फेसबुक अकाउंट ऑफ टेक्सटाइल्स कमिटी. असेसमेंट में आप जब भी जाओगे तो एम्पैनल असेसमेंट एजेंसी ओनली कंडक्ट द असेसमेंट थ्रू एक्रेडिटेड असेसर. आज पूरा सीपी होने के बाद जो भी असेसर को एक एक्रेडिटेशन कोड दिया जाएगा दोज आर इलिजिबल असेसर. दे आर ओनली अलाउड टू डू द असेसमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट बैच. और जो भी असेसमेंट होगा वो एज पर अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन पैक ही होगा. सो ये सारा चीज आपको फॉलो करना है. असेसमेंट एजेंसी को ये सारी नॉर्म्स जो है वो फॉलो करनी है. दिस इज आल्सो सिमिलर फॉर द अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग असेसमेंट. असेसमेंट शीट जो है इट इज ओनली अप्रूव्ड. आपको असेसमेंट एजेंसी को अप्रूव्ड असेसमेंट शीट ही यूज करनी है विच इज डेवलप्ड बाय आरएसए. असेसमेंट शीट सेट्स विल बी अवेलेबल ऑन एमआईएस ऑफ समर्थ. और असेसमेंट एजेंसी को ये एंश्योर रखना है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स यूज करे एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट. अभी सबको ये क्वेश्चन होगा कि असेसमेंट शीट होती क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट्स है. सो वी विल डिस्कस हियर. टोटल 100 मार्क का आपको असेसमेंट करना है. उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स दिए गए 56 और वाइवा के लिए दिए गए 44 मार्क्स. इसमें चार पार्ट है असेसमेंट शीट में. फर्स्ट पार्ट इज ट्रेनिंग प्रोफाइल, सेकेंड पार्ट प्रैक्टिकल असेसमेंट, थर्ड वाइवा असेसमेंट, फोर्थ रिजल्ट. सो आपको सारा टेम्पलेट मैं आपको आगे दिखाती हूँ. उसके पहले हम डिस्कस करेंगे जो असेसमेंट शीट है प्रैक्टिकल की वो डिवाइड है पांच पैरामीटर्स में. फर्स्ट पैरामीटर इज अ प्रोसेस प्रिपरेशन, सेकंड प्रोसेस एंड पार्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस ऑपरेशन, सिक्वेंसिंग द प्रोसेस, सेफ्टी एंड सॉफ्ट स्किल. ये सारा जो प्रैक्टिकल सेक्शन है यहाँ पे ट्रेनीज को पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करना है. उनको ये सारा जो भी क्वेश्चंस दिया गया है वो प्रैक्टिकली करके दिखाना है. वाइवा असेसमेंट शीट भी पांच पैरामीटर्स में सेग्रीगेटेड है. फर्स्ट इज टर्म एंड डेफिनेशन, नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ प्रोसेस ऑपरेशन, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ पार्ट्स एंड ऑक्सिलरीज, क्वालिटी एस्पेक्ट्स, सेफ्टी एंड सॉफ्ट स्किल. ये जो वाइवा सेक्शन है यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. असेसर को क्वेश्चन पूछने हैं, ट्रेनी विल गिव यू द आंसर. यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वर्बल टाइप ऑफ एग्जाम होगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल असेसमेंट में क्या हो सकता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर सेट किया गया आरएसए डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने उसमें बताया है कि आपके ट्रेनी को एस टाइप ऑफ शेप स्टिच करना है. तो आपको असेसर को उसको बताना है एस टाइप ऑफ शेप यू हैव टू स्टिच ऑन द पर्टिकुलर फैब्रिक. सो एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल यू हैव टू चेक हिज प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग द मशीन एंड ऑल्सो यू हैव टू चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क. सो एज पर यू हैव टू अलॉट द मार्क्स. नाउ दिस इज अ टेम्पलेट फॉर ट्रेनी प्रोफाइल. यू कैन सी हियर वट एवर द नेसेसरी थिंग्स इट इज आस्क हियर दैट असेसर शुड फिल अप. असेसर को खुद को ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द ट्रेनी दैट यू हैव टू फिल अप. और जहां पर भी आपका नाम है या असेसर का सिग्नेचर है या एक्रेडिटेशन कोड है, जहां पे भी आपको पूछा है वहां पे आपको लिखना है. दिस इज मैंडेटरी. दिस इज अ टेम्पलेट फॉर प्रैक्टिकल असेसमेंट. यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स है, उसके अंदर क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो भी अलॉट किया गया है. As per their questions and proficiency of work and use of the machineries, you have to allot the marks. This is a template for Viva assessment. Viva assessment में same parameters है. यहाँ पे भी questions है. आपको पूछने हैं. Trainee will give you the answer. Maximum marks आपको बताया गया है. यहाँ पे जो भी information है वो सारी assessor को fill up करनी है. अभी जो भी हमने अब तक discuss किया, we'll go shortly. It consists of practically demonstrable parameters only. All parameters is to be posed to trainees. Trainee is expected to practically demonstrate the parameters for the given machinery process. The proficiency of trainee to be measured by these parameters.
Assessor shall award appropriate marks in the box for each satisfactory demonstration. Similarly, for the Viva assessment, it consists of the parameters which include information regarding machinery, process and soft skill. Mode of the assessment is verbal only. If the trainee is able to give the satisfactorily express his answer, then appropriate mark should be awarded in the marks in the particular box given for the marks. This is the grading sheet that we already discussed. हमने पहले भी देखा है कि आपको A grade, B grade और C grade में marks उनको देने हैं. अभी eligibility criteria कैसे होगा? कौन से trainee ये assessment के लिए बैठ सकते हैं? तो जिनका भी attendance at the time of training session is minimum 80% है, those candidates are eligible for the assessment. Okay? Then कौन से candidates इसमें trainees इसमें pass हो सकते हैं? So the trainee shall have to score the minimum 60% of marks overall practical or Viva section मिला के to pass the assessment. ये सब होने के बाद असेसर को एक समरी शीट फिलअप करनी है. समरी शीट विल बी प्रोवाइड बाय आरएसए और जो भी समरी शीट है, जो भी प्रैक्टिकल डेटा है, वो सारा अपलोड करना है एमआईएस पोर्टल पे. ये दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर द असेसमेंट एजेंसी. दे हैव टू फिल अप अपलोड ऑल दिस डेटा ऑन एमआईएस पोर्टल ऑन द डे ऑफ द असेसमेंट. दिस इज अ टेम्पलेट ऑफ द समरी असेसमेंट शीट विच इज प्रोवाइडेड बाय आरएसए ओनली. ये सब होने के बाद असेसर को कहाँ कैसे रिपोर्टिंग करना है? तो ये सारा जो आपने डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट किया है, सारी असेसमेंट शीट है, समरी असेसमेंट शीट है, फोटोग्राफ्स है, सारा आपको हैंडओवर करना है असेसमेंट एजेंसी को. असेसमेंट एजेंसी ये सारा कलेक्ट करेगी, ये सारा डेटा रिटेन रखेगी आपके पास, खुद के पास. सो द कंसर्न असेसमेंट एजेंसी शैल साइन ऑन दिस शीट्स. सब होने के बाद असेसमेंट एजेंसी को सारा साइन भी करना है और ये सारा आपको रिटेन करना है, सारा रिकॉर्ड आपके पास रखना है असेसमेंट एजेंसी को, क्योंकि आपको आरएसए कभी भी ये सारा डेटा पूछ सकती है. सो इट इज स्टिपुलेटेड इन द प्रोटोकॉल. असेसमेंट होने के बाद ट्रेनी को दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट विल अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. ये सारा हो गया अब तक ट्रेनी असेसमेंट रिगार्डिंग द एंट्री लेवल फॉर द प्री ट्रेनिंग असेसमेंट अंडर द अपस्किलिंग रीस्किलिंग. तो यहाँ पर कोई पास फेल क्राइटेरिया नहीं होगा फॉर प्री ट्रेनिंग असेसमेंट. वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल ऑफ ट्रेनीज इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड. वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेनीज फ्रॉम कॉपी ऑफ आधार कार्ड कैरीड बाय द ट्रेनीज ओनली. और असेसर को आप जब भी असेसमेंट के लिए जाओगे तो AEBS पोर्टल पे आपका इन एंड आउट अटेंडेंस इज मैंडेटरी. यहाँ पर फॉर प्री ट्रेनिंग असेसमेंट के लिए असेसमेंट एजेंसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कौन से टाइप ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स दे हैव टू सिलेक्ट for the pre-training assessment, because they must have the particular knowledge about the particular course, because they have to do the upskilling. उनको कितना पहले knowledge है वो particular job role का, तो वो सारा check करने के लिए आपको proper question paper select करना होगा. So this is a responsibility of assessment agency. आप assessor आप जब भी pre-training असेसमेंट के लिए जाएंगे तो आपको वहां से कोई एविडेंस स्पेसिफाइड ऑपरेशन का हर एक ट्रेनी से आपके साथ कैरी करना होगा. प्रैक्टिकल डेटा जो भी है वो आपको एक एडिशनल असेसमेंट शीट में फिलअप करना होगा और आपको फोटोग्राफ्स भी कलेक्ट करने होंगे. फोटोग्राफ्स आपको क्लिक करना है हर एक इंडिविजुअल ट्रेनी का व्हाइल ही इज परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल. तो सेपरेट सेपरेट सबकी फोटोग्राफ आएगी और लास्ट में सारी बैच की, आपने जितनी भी बैच असेस की है, जितने भी कैंडिडेट्स की एक बैच में जितने कैंडिडेट्स आपने असेस किए हैं, ट्रेनीज असेस किए हैं, उसका एक ग्रुप फोटो भी आपको क्लिक करना है. और असेसर नीड्स टू वेरीफाई द प्रूफ शोइंग द ट्रेनी इन इज अ एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री. आपको चेक करना है वो वही फैक्ट्री का एम्प्लॉय है कि नहीं. This is the additional assessment sheet which is provided by the RSA for the pre-training assessment. ये सब आप assessment का जो process हो रहा है वो सारा आपको shoot भी करना है, इसका videography भी करना है. So at the time of the assessment, assessor must carry his particular device for the shooting purpose, or you can also take a help from the training center. You can use the setup which is already available at the training center at the time of the assessment. और ये सारा आपको assessment agency को handover करना है
असेसमेंट एजेंसी को ये सारा रिकॉर्ड रिटेन रखना है, उनके पास रखना है। ये सारे असेसमेंट के असेसमेंट प्रोसेस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है बाय आरएसए एज वेल एज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो जो भी डेट आपको दिया गया है, शेड्यूल डेट है असेसमेंट एजेंसी का, असेसमेंट के लिए आपको वही डेट आपको फॉलो करनी है। अगर आप वो नहीं फॉलो कर पा रहे, देन यू हैव टू इंटीमेट आरएसए वेल इन एडवांस। असेसर को एट द टाइम वहां पे पहुंचना है, जो भी लोकेशन दिया गया है असेसमेंट का, वहां पर आपको पहुंचना है। एक्रेडिटेड असेसर्स आर ओनली अलाउड फॉर टेकिंग द असेसमेंट। जो भी एक्रेडिटेड है वही एक्रेडिटेड असेसर्स आर एलिजिबल टू कंडक्ट द असेसमेंट। ऑल्सो असेसमेंट एजेंसी ऑल्सो कीप अ पर्टिकुलर स्टैंड बाय अरेंजमेंट एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट। असेसर शैल हैव टू मार्क हिज एंड हर अटेंडेंस एट एईवीएस पोर्टल एट ट्रेनिंग सेंटर। असेसर को इन एंड आउट आपका जो भी अटेंडेंस है एईवीएस पोर्टल पे आपको मार्क करना है। असेसर शैल मेंशन द असेसर कोड इन अ समरी असेसमेंट शीट वेयर एवर नेसेसरी। इट इज मैंडेटरी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड वन मोर थिंग दैट असेसर कैन नॉट असेस मोर देन 30 कैंडिडेट्स इन अ डे। आपके पास 31 भी कैंडिडेट है देन इट इज नॉट अलाउड टू यू टू असेस द वन मोर कैंडिडेट एक्स्ट्रा कैंडिडेट देन द 30 कैंडिडेट्स। और आपको असेसर को आपका जो वैलिड गवर्नमेंट इश्यू आई डी कार्ड है वो साथ में कैरी करना है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट एजेंसी शैल अपलोड ऑल द रिजल्ट्स विद इन 3 days of assessment date. And one assessor cannot conduct assessment on behalf of multiple assessment agency. एक असेसर एक ही असेसमेंट एजेंसी के साथ ही रहेगा, आप मल्टीपल एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रख सकते। देर आर मोर इंस्ट्रक्शंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ऑन द असेसमेंट। द असेसर शुड मार्क अटेंडेंस ऑन एईवीएस। द असेसर शुड वैलिड बेनिफिशियरी डिटेल्स एंड हिज एंड हर फिजिकल अपीयरेंस ऑन द डे ऑफ द असेसमेंट। और मिनिस्ट्री ने आपको एक एक्स्ट्रा राइट दिया है कि आप सीसीटीवी फुटेज ऑफ ट्रेनिंग सेशन का रैंडमली चेक कर सकते हो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग एट द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। ऑन द डे ऑफ द असेसमेंट द असेसर्स नीड्स टू फिल अप द सर्टिफिकेट एंड सबमिट सेम टू द असेसमेंट एजेंसी फॉर अपलोडिंग पर्पस ऑन एमआईएस पोर्टल। तो एक असेसर का पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है जो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। This is the assessor certificate for pre-training assessment. So आपको कौन से documents MIS पे upload करने हैं? Uploading this responsibility is given to the assessment agency. So जो भी data assessor के पास है, assessor को सारा data assessment agency को देना है। और assessment agency को if you are uploading assessment regarding the entry level, then you have to upload summary assessment sheet, assessor certificate and group photo of the assessed candidates in a batch. And for the pre-training assessment, you have to upload a summary of the assessment sheet, assessor certificate for upskilling assessment, group photo of the assessment batch, practical data of the each operation that you have to be keep with you, and photograph of each trainee while carrying out the specified operations. सारा प्रोसेस फिर आरएसए कैसे मॉनिटर करेगा? तो आरएसए विल कंडक्ट द सरप्राइज चेक्स ऑफ असेसमेंट एक्टिविटी रैंडमली। एक कोई भी ऑफिसर आरएसए टीम से और टेक्सटाइल्स कमिटी से आपका सरप्राइज चेक के लिए आ सकता है। आरएसए में ऑडिट असेसमेंट एजेंसी आल्सो एज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। एक्रेडिटेशन प्रोसेस ऑफ असेसर हाउ इट इज गोइंग ऑन? देन आरएसए कंडक्ट्स टीओए एंड सीईपीस पीरियोडिकली। Assessor can appear for the accreditation by paying requisite fee. Accreditation with a specific scope is awarded to only those candidates assessors who have attended and successfully passed the CEP. Assessor can reappear for CEPs to enhance their scope of assessment. CEP program होने के बाद, those candidate will pass that particular CEP, they'll accredited by particular code, that is 18-digit code. So 18-digit code होता क्या है? जो पहला ए है इट रिप्रेजेंट्स द असेसमेंट, नेक्स्ट 3 digit इंडिकेट्स द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर असेसमेंट एजेंसी, नेक्स्ट जो
जेड जेड रेड कलर के जो 3 जेड है, इट इंडिकेट्स द असेसर कोड नंबर विद इन द असेसमेंट एजेंसी. और नेक्स्ट 9X आर देयर, तो 9X कैसे है, तो सीरियली गारमेंट नीटिंग प्रोसेसिंग हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कारपेट जूट, ऐसे ये पूरा सेक्टर्स है अप टू 9. एंड लास्ट वाई वाई, आप कौन से ईयर में ये सीपी प्रोग्राम के लिए आप अपियर हुए थे. सो फॉर एग्जाम्पल यू आर अपियर इन द ईयर 2021, तो लास्ट जो वाई वाई है वो 21 रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट डे आपका असेसमेंट का रहेगा, नेक्स्ट 3 असेसमेंट एजेंसी का रहेगा, नेक्स्ट जेड आपका नंबर रहेगा असेसमेंट एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ. और आप जो भी सेक्टर पास करेंगे वो जो एक्स है वहां पे 1 रिप्रेजेंट होगा, अगर आप वहां पे फेल है तो 0 रिप्रेजेंट होगा. इफ यू आर पास इन अ गारमेंट सेक्टर तो फर्स्ट एक्स जो है वो 1 रहेगा, निटिंग में आप फेल है तो वो 0 रहेगा, प्रोसेसिंग में भी फेल है तो 0 रहेगा. तो जो भी सेक्टर में आप पास होंगे वहां पे 1 रहेगा, रेस्ट ऑफ विल रिमेन 0. सो दिस इज योर एक्रेडिटेशन कोड. अगर आपको, जैसे हमने बताया है कि आप एक ही असेसमेंट एजेंसी के साथ जुड़े रहेंगे, अगर आपको आपकी असेसमेंट एजेंसी चेंज करनी है देन यू हैव टू फॉलो द पर्टिकुलर प्रोसेस. सो असेसर हैज टू सबमिट अ फॉर्मल रेजिग्नेशन टू द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ कंसर्न असेसमेंट एजेंसी विथ विच ही और शी इज एम्पैनल्ड एंड द कॉपी ऑफ द सेम शैल बी मार्क्ड टू द आरएसए. द रजिस्ट्रेशन सबमिटेड कैन आइदर बी इन हार्ड कॉपी और ऑन ईमेल. द आरएसए इन टर्न विल कंफर्म द सेम फॉर द कंसर्न असेसमेंट एजेंसी. दिस इज ऑल अबाउट द सीपी, दिस इज द वर्कशॉप ऑन द असेसमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय आरएसए. थैंक यू सो मच. सो आपके जो भी कुछ क्वेरीज होंगे या किसी को डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के रखिएगा, हम लोग उसमें रिवर्ट करेंगे. आप ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे रिगार्डिंग सीईपी हो या अदर कुछ असेसमेंट के बारे में या वर्कशॉप के बारे में, तो आपको ये सारी इसकी जानकारी ये चैनल पे आपको मिल सकती है. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप.